मुझे ना दो बियर की बोतलें भी मिली यहाँ पे, तो मैंने इसका ये रीयूज करने का सोचा। भरी हुई है? नहीं भरी हुई है। तो हेलो दोस्तों, कुकरेती फैमिली लेके आ गई है आप लोगों के लिए एक और ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमेशा की तरह। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं आलू के परांठों के साथ, जो कि हम सभी की फेवरेट होते हैं आलू के परांठे, और स्पेशली तब जब वो माँ के हाथ के बने हों। और इसी बीच में आ चुका है नन्नू अपनी गाड़ी लेके। ये गाड़ी आपने पहले देखी होगी, कासू बहुत चलाती थी और अब नन्नू चला रहा है, और साथ में इसने डमरू बांध रखा है। जब चला के थक जाता है तो डमरू बजाता है। हम सब पराठा खाएंगे, जब खाएंगे तब खाएंगे, लेकिन मम्मी ने अभी कासी के लिए दे दिया है पराठा अलग से, इसमें कोई मिर्ची नहीं है, तो बस कासी को खिलाते हैं फिर हम लोग खाते हैं। ये कासी कर क्या रही है पराठा खाने के बाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी जड़ी बूटी बना रही है कासी तू है? अच्छा, तो पराठा इसमें डाल के खाया जा रहा है। अच्छा, ये तो यहाँ से उठा रही है पराठा ये। अच्छा ओके, अच्छा तोड़ तोड़ के डाल रही है इसके अंदर। ये बढ़िया यूज़ कर रही है तू। अच्छा ये लो, देख लो दोस्तों आप कैसे कर रही है। ये पराठा लिया है इसने अपना, जो दिया था मम्मी ने इसको बना के, तोड़ रही है उसमें डाल रही है। यार दिमाग देखो इस लड़की का, और घुमा कैसे रही है। कसम से कासू यार, तो ऐसे बना के खा रही है देखो ये खुद से। कासी का फेवरेट दही, कासी खेल रही है और सीमा उसको ऐसे ही खिला रही है अभी। सबसे अच्छी बात ये की दही ऐसी चीज है कि जो वो कुछ भी करेगी ना वो खा के सरिए दही जैसे अभी खा रही है। ये दोनों बच्चे ऐसे हैं, खुद जाएंगे कमरे में और खुद ये झूला बाहर निकाल के लेके आते हैं हॉल में, और तब झूलते हैं बारी बारी से। ये नन्नू को देखो, कासी को बोल रहा है जल्दी जल्दी झूल, मेरी बारी है, धक्का दे रहा है उसको पीछे से जल्दी झूलने के लिए। ओ, क्या बात है यार। तो मैंने बनाया इनके फेवरेट स्प्राउट्स, इनको बहुत पसंद है। वो मूंग दाल के स्प्राउट्स, जो साबुत मूंग होती है ना उसके स्प्राउट्स, उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो इनके लिए मैं हर दूसरे दिन बनाई रहती हूँ स्प्राउट्स। केवल मुझे ही नहीं, हमारी बेटी कासी को भी बहुत पसंद है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मैंने स्प्राउट्स कैसे बनाए। इसमें मैंने ग्रेप्स डाले हुए हैं, और मैंने इसमें अनार डाला है, अनार एक, और ये सारे के वो है मूंग के दाल के स्प्राउट्स, और एक हाँ हल्का सा आधा मैंने प्याज भी डाल दिया इसमें। टाइम हो रहा है 6:30 और मैं जस्ट अभी सो के उठाई हूँ। सीमा मुझे दिख नहीं रही थी, और देखो भैया मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ कर रही होगी यहाँ। हाँ अरे मैं तो वहीं सारा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, इसने कूलर चमका वमका के अंदर रख दिया। स्प्राउट्स का असली यूज यही कर रही है, एनर्जी इतनी आ गई है इसके अंदर। और तुम दोनों बेटी और पापा दोनों ने स्प्राउट्स का असली यूज तो तुम दोनों ने किया, सोगे वही तो असली यूज है उसका, खाओ और सो जाओ। खाओ दोस्तों, मुझे ना दो बियर की बोतलें भी मिली यहाँ पे, तो मैंने इसका ये रीयूज करने का सोच लिया। भरी हुई है? नहीं भरी हुई है, हम ग्रीन ग्रास जो लाए ना अभी, लाए तो उस दिन थे जिस दिन आपको दिखा था वॉलपेपर के साथ, अभी मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ करने का उसका, तो इसलिए अपनी बालकनी चमका रही हूँ। चलो तुम हटो, बाकी का मैं करता हूँ ठीक है। नहीं नहीं बस तुम ना काशी को देखो, उड़ गई क्या? हाँ उड़ गई। नहीं सो रखी है। तो दोस्तों हो चुका है इवनिंग टाइम, और इवनिंग टाइम के साथ में हो चुका है टी टाइम। और जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया कि मैं तो जस्ट अभी सो के उठा ही था, काशी अभी सो रखी है और मेरे साथ भी सो रखी थी। और हमारे सोने के टाइम पे सीमा ने उसका इतना अच्छा यूज़ किया, जैसे कि मैंने दिखाया आपको पूरी बालकनी चमका दी उसने। और अब मुझे क्या मजा ले रही है पेंट हो जाता इसमें, सेल बनवा देते, काफी कुछ हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है। सीमा अपनी कलाकारी करेगी। कब से करोगे तुम कलाकारी करनी स्टार्ट? 80। चलो ठीक है देखते हैं फिर। तो दोस्तों देखते रहिएगा ब्लॉग, क्योंकि सीमा बोल रही कि मैं आपसे करूँगी कलाकारी शुरू, तो पता नहीं क्या करेगी है, भगवान जाने, पर जो भी करेगी अच्छा करेगी, तो फिर दिखा दें आपको ठीक है। नन्नू उठाने आ गया दीदी को अपनी।
चलो कासू उठ जाओ, अब नीचे घूमने का टाइम हो गया है ना। चलो तो जस्ट अभी सो गई उठी है और अब टाइम हो गया है काशी का नीचे जाने का। इनफैक्ट सभी लोग जाते हैं नीचे और अपना राउंड लगा के आते हैं, तो वही कासू सोज निकालने के लिए कह रही है ना। बाय 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 कासू। मैंने उन बियर की बोतल से कुछ बनाया है तो दोनों बच्चे वही देख रहे हैं बैठे ही, क्या है। थैंक यू बेटा। मेरा बच्चा मेरे को अप्रिशिएट करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये है बियर की बोतल्स जो मेरे को अभी मिली थी, मैंने उन्हीं को ही, मेरे पास पड़ी हुई थी ये लड़ी पड़ी हुई थी, क्या बोलते हैं इसे, लाइट्स, तो वो मैंने इसके अंदर पहले तो बियर की बोतल धोई फिर उसके अंदर डाल दिया। तो इन दोनों बॉटल्स को चाहूँ तो मैं कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ, रूम में भी यूज़ कर सकती हूँ, किचन में भी यूज़ कर सकती हूँ, तो देखते हैं। वैसे तो फ़िलहाल मैंने अभी यही रखा। तो दोस्तों ये सब करने के बाद अब मैं अपनी दीवान सेट पे नया बेडशीट बिछा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, एक पहले भी मंगाया था जो आपको पहले भी दिखाया था मैंने, तो अब ये वाला मंगाया मैंने मरून कलर का। तो देखो कासू जब भी कोई नई चीज़ होती है पहले बैठ जाती है, तो अब मम्मी भी आएंगी देखने के लिए। मम्मी कैसी लग रही है? अंदर मम्मी कैसा लग रहा है? मम्मी पहले पूरी क्वालिटी चेक करेंगी, उसके बाद बोलेंगी मम्मी ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है। डिजाइन तो वही है। डिजाइन वो नहीं है मम्मी, उसमें चकोर में थे जो पहले मंगाया था, इसमें फूल बने हुए हैं, उसमें ना दोस्तों डायमंड शेप थी। और हाँ ये सारे आए मम्मी, और मतलब कवर, हाँ कवर सारे, इस चद्दर भी तो आई है। तो दोस्तों जो पहले मंगाया था ब्राउन कलर का, जो आपको मैंने अपने प्रीवियस घर में बताया था दिखाया, इसमें ना डायमंड शेप के डिज़ाइन बने हुए थे और इसमें पूरे फ्लावर का है, तो इस बार मैंने फ्लावर वाला मंगाया है मरून कलर का। तो आपको कौन सा अच्छा लगा बताना मुझे, और आपको ये वाला दीवान सेट कैसा लगा ये भी बताना मुझे। तो हो चुका है डिनर टाइम, हम लोगों ने डिनर कर लिया है और अभी सीमा कासी के लिए दही लेके आ रखी है। तो दोस्तों मैगी के बाद दही एक ऐसी चीज़ है कि जो ये खुश होके खाती है और सपोड़ा सपोर्ट करके खाती है, और वो आपको कासी के खाने से बता भी चल रहा होगा। पिएगा? ये देखो जब से मैंने अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ी है उसने अपना ग्लास पकड़ा हुआ, और उसको मैं दे चुका हूँ एक बार, उसको मैं दे चुका हूँ, फिर सीमन उसका पैक बनाया हमेशा की तरह, उसने आधा पानी मिला के कॉकटेल है। चलो फिर सीमा को भी दे देते हैं भैया कोल्ड ड्रिंक। सीमा लो भाई, सीमा सबको दे दी आपने? हाँ सबको दे दी मैंने। हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट ब्लॉग के नाम। तो फर्स्ट कमेंट उठाती हूँ मैं आरतीज आर्ट जी का, उन्होंने लिखा है सीमा व्हाट इज योर एज एंड आप गढ़वाली ज्वेलरी पर भी वीडियो बनाना। तो आरती जी एज तो मैं बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सोच रही थी जैसे इनके बर्थडे पे एज का जो गैसिंग चला था कि बताना इनकी क्या एज है, और आपने भर भर के कमेंट किए थे, तो मैं भी चाह रही थी कि मेरा बर्थडे भी जुलाई में आ रहा है तो आप लोग मेरी एज गैस करें, तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। और मैं नहीं चाहती कि आप अभी गैस करें, मैं चाहती हूँ आप मेरे बर्थडे वाले टाइम पे गैस करें, तो मुझे भी मजा आए। और जैसे मेरा बर्थडे पे रिवील हुआ था कि मेरी एज कितनी है, ऐसे ही सीमा के बर्थडे पे मैं आपको 16 जुलाई को रिवील हो जाएगा कि सीमा कितने साल की हो चुकी है, एग्जैक्ट बताऊंगी, ईयर भी, डेट भी, मंथ भी, और प्लस टाइम भी। दूसरा कमेंट मैं उठा रही हूँ कमला रावत कमला जी का, उन्होंने लिखा है, हम बहुत लंबा कमेंट लिखा है, उन्होंने लिखा है हमने भी धोया कम्बल मैंने और मेरी देवरानी, पर कमर टूट गई थी, हमने तो एक दिन पहले से भिगो कर रखा था, भिगो कर मैंने भी एक दिन पहले से रखा था, फिर हमने पैरों से धोया। एक बार पूछना चाहती हूँ कि अगर आप खाना बनाते हो तो बच्चों को वही खिलाएंगे ना कि खिचड़ी, जब आप खाना बनाते हो तो उसमें नमक मिर्ची कम डालें फिर बच्चों को निकाल दें फिर उसके बाद नमक मिर्ची ऐड करें। बेसिकली ये कहना चाहती है कि आप जो खाना खाते हैं ना वही बच्चों को खिलाएं, तो बस उसमें क्या है ना जो पहले बना के ना पहले ही निकाल दें थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपने लिए नमक मिर्ची ऐड करें। तो कमला जी आपने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है, हम ऐसे ही करने की सोच रहे हैं, बट क्या होता है ना हमारे बच्चे अभी थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा रहे हैं, जैसे कि वो मूंग दाल नहीं खाते, फिर क्या बोलते हैं कभी कोई और दाल में अगर हम वैरायटी हम अगर चेंज करने की सोच रहे हैं ना तो खाते नहीं है, नखरे दिखाते हैं। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, कभी हम उनके लिए हरड़ की दाल उबाल देते हैं, कभी लौकी और चने की दाल बनती है तो हम वो भी खिलाते हैं उन्हें, सब्जी बनती है तो उसमें आलू गिरता ही है तो आलू भी हम निकाल के उनको देते हैं, दही रायता हम बनाते हैं वो भी खाते हैं, तो वो उसमें चीजें खा ही लेते हैं। तो आपके सजेशन के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट उठा रही हूँ मैं ममता देवी जी का, उन्होंने लिखा कभी हमें भी याद कर लिया करो। जी आपको तो याद ही कर रहे हैं हम। यार सच्ची में आप लोगों को देख के मन खुश हो जाता है, आप लोग इसी तरीके से हमेशा
हंसी खुशी नहीं, आप लोग हमेशा इसी तरीके से रहे। काशी कितना प्यारा बच्चा है, नाइस युक्ति। तो कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। और अब बोलता है कि मेरे को खुद से निकल पहनने दो, तुम मुझे निकल मत पहनाओ। इतनी ज्यादा वो हो रही है, ये कह रही मैं खुद पहनूंगी जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता देवी जी आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट कमेंट में उठा रही हूँ पूजा। उठाती बहुत कमेंट यार, कमेंट ले लिया करो। सॉरी, मैं नेक्स्ट कमेंट पिक कर रही हूँ पूजा जोशी जी का। उन्होंने लिखा है, तुमने कमेंट बहुत उठा लिया, अब से पिक करना। ओके, उन्होंने लिखा है, हेलो सीमा जी, आप जिस तरीके से बोलती हो शब्दों को, वाकई में बहुत अच्छे संस्कार मिले हुए हैं आपको माता पिता से। माँ ऐसी है तो बेटी काशु में भी यही संस्कार आएगी। पूजा जोशी जी, आपने मेरा दिन बना दिया इतना कह के। और कसम खा के बोल रही हूँ, जब मेरे थ्रू ना मेरे मम्मी पापा की बड़ाई होती है ना, एक तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, दूसरा मुझे बहुत खुशी होती है। जब भी मेरे को लेके कोई बोलता है ना कि आपके माता पिता बहुत अच्छे रहे होंगे तब आप अच्छी हो, या मतलब उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो मतलब मेरे को बहुत हिट करती है ये चीज़, और मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश। जैसे ही मैंने आपका कमेंट पढ़ा था ना, मतलब होता है ना, बहुत खुशी हो गई थी मुझे अंदर तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जोशी जी, इसीलिए मैंने आपका कमेंट उठाया, क्योंकि आपने मेरे मम्मी पापा की बड़ाई। धन्यवाद। हाँ, और आपने जैसे बोला कि जैसे आपके जो संस्कार है और आपकी जो बोली है, वैसे ही काशी पर भी, वैसे ही काशी कल को होगी, तो बिल्कुल ऐसा होता ही है। मैं पूरी कोशिश भी, माँ बाप के जो गुण होते हैं, स्पेशली माँ के गुण जो होते हैं, वो बच्चों के अंदर जाते ही है। कहते तो बहुत बहुत बोलती है, बहुत बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाती है, तो बात के लिए मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है दोस्तों। मैं पर वो तो अच्छी है ना, ब्लॉग के लिए तो अच्छी है यार। ब्लॉग में तो तुम्हें थोड़ी बुलंद आवाज़ चाहिए होती है, थोड़ी तेज़ आवाज़ चाहिए होती है, क्योंकि अभी तो माइक यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब माइक हो जाएगा तो उसके बाद इतना हमको नहीं बोलना पड़ेगा तेज से, लेकिन अभी जैसे माइक यूज नहीं कर, पता चला माइक फिर तो आप लोगों को ऐसे चुभने लगेगी मेरी आज। चलो, तो नेक्स्ट कमेंट किसका है? नेक्स्ट कमेंट में पिक कर रही हूँ प्रियंका भारद्वाज जी का। उन्होंने लिखा है, प्लीज मेरा कमेंट जरूर उठाना, मेरा क्वेश्चन नितिन जी से है, वो अपना एस्ट्रोलॉजी चैनल में वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो भाई? अच्छा, हाँ, तो प्रियंका जी एक्चुअली क्या है ना कि मेरे साथ में ऐसा है कि जब भी मैं कुछ चीज़ करता हूँ ना, तो मैं उसके लिए पहले चाहता हूँ कि पहले अच्छे से मैं तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ चीज़ करूँ। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि यार मैं कल करूँगा, पर वो ना हो ही नहीं पा रहा है। तो लेकिन मैं फिर भी आपसे ये बोलूँगा कि अभी क्या डेट है सीमाज, 22nd है, तो 23 हो चुकी है, रात के 12 क्रॉस कर लिया है। तो मैं मार्च के एंड तक ये अपनी जो एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो है वो डाल दूंगा। और प्रियंका जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो का वेट कर रहे हो। तो जल्दी ही मेरे परिचय बाय नितिन कुकरेती वाले चैनल में आपको एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, वेट करिएगा, और सभी लोग वेट करिएगा जिनको भी जानना है अपने बारे में। ओके, हाँ, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं देखा है, तो मैं अपने चैनल का लिंक डाल दूंगा इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। पर जल्दी वीडियो बनाया करो यार, ये रोज ही बोलती है, पता है, ये रोज हर कोई बोलता है, सीमा बोलती है, मेरी माँ बोलती है, पापा बोलते हैं, वहां से मेरी सासू जी बोलती हैं, बेटा नितिन हाँ मम्मी जी, बेटा वीडियो नहीं बना रहे हो तुम मम्मी जी। देखो, ऐसी बात नहीं है, तो मम्मी जी का भी कंसर्न रहता है, तो सबसे मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि एंड ऑफ द मार्च मेरी वीडियो आ जाएगी। चलो दोस्तों, प्रॉमिस कर रहे हैं तो देखना। नेक्स्ट कमेंट क्या है? नेक्स्ट कमेंट मैं पिक कर रही हूँ ममता बोरा जी का। उन्होंने लिखा है, आज आपका ब्लॉग देर में देख रही हूँ, 23rd को मेरे बेटे का जन्म है ना, तभी शादी में लगी हुई थी, लेट हो गया, मेरे बेटे का नाम रख लेना थी पीयूष बोरा। तो ममता बोरा जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पीयूष बोरा को कुकरेती फैमिली की तरफ से उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पीयूष। तो चलिए फिर पीयूष के बर्थडे के साथ में आज करते हैं ब्लॉग को एंड, बाय, गुड नाइट। तो जल्दी ही कुकरेती फैमिली आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आएगी। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, टेक केयर, जय शंभू।